प्यारे बच्चों, मसीह यसु में आपको सलाम। आज हम बाइबल की कहानियाँ सीखेंगे। तो हमारा जो पहला जो आज का लेक्चर है या पहली जो बाइबल की कहानी है वो हम पैदाइश की किताब में से देखेंगे। बच्चों, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम बताता है कि किस तरह इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई। बहुत पहले खुदा ने इंसान को बनाया और उसका नाम आदम रखा। खुदा ने आदम को ज़मीन की मिट्टी से बनाया। जब खुदा ने आदम में ज़िंदगी का दम फूंका तो उसमें ज़िंदगी आ गई। उसने अपने आप को एक खूबसूरत बाग में पाया जिसे अदन कहते हैं। बच्चों, आदम के बनाने से पहले खुदा ने खूबसूरत दुनिया बनाई जो शानदार चीज़ों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने पहाड़ी मकामात, खुले घास के मैदान, खुशबूदार फूल और लंबे दरख्त, चमकदार परों वाले परिंदे और भनभनाती मक्खियाँ, लहरों से खेलती मछलियाँ और समंदरी जानवर पैदा किए। बच्चों, दर हकीकत खुदा ने हर चीज़ जो मौजूद है पैदा की। बिल्कुल इब्तदा में, इससे पहले कि खुदा ने कुछ बनाया, इसके सिवा और कुछ नहीं था। ना लोग, ना जगह, ना चीज़ें, कुछ भी नहीं। ना रोशनी, ना ही अंधेरा था। ना ही आसमान और ज़मीन था, सिर्फ खुदा ही था और उसका कोई शुरू ना था। तब खुदा ने काम शुरू किया और इब्तदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान खलक किए। बच्चों, ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। फिर खुदा ने कहा, रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात कहा, और शाम हुई और सुबह हुई और पहला दिन हुआ। दूसरे दिन खुदा ने आसमान के नीचे समंदर, दरिया और झील के पानी को एक जगह जमा किया। तीसरे दिन खुदा ने कहा, खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। बच्चों, खुदा ने घास और फूलों और बीजदार बूटियों और दरख्तों को भी हुक्म दिया कि फलें, और ऐसा ही हुआ। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। फिर खुदा ने सूरज, चांद और बहुत सारे सितारों को बनाया जिनको कोई गिन नहीं सकता। और शाम हुई और सुबह हुई, और चौथा दिन हुआ। प्यारे बच्चों, समंदरी मखलूक और मछलियाँ और परिंदे खुदा की फहरिस्त में अगले थे। पांचवें दिन खुदा ने बड़ी मछलियाँ और छोटी मछलियाँ, लंबी टांगों वाले शुतुरमुर्ग और खुश गुनगुनाते छोटे परिंदे बनाए। खुदा ने ज़मीन के पानी को भरने के लिए हर किस्म की मछलियाँ बनाई। और शाम हुई और सुबह हुई, और पांचवां दिन हुआ। प्यारे बच्चों, इसके बाद खुदा ने कहा, ज़मीन अपने ऊपर रहने वाली मखलूक खलक करे, और हर तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े और रिंगने वाले जानवर वजूद में आए। ज़मीन को खलाते हुए हाथी और दौड़ते हुए चूहे, शरारती बंदर और सुस्त मगरमच्छ, रिंगते हुए केंचुए, हिलते हुए जराफे और गुराती हुई बिल्लियां वजूद में आईं, जिन्हें हम शेर भी कहते हैं। फिर उस दिन खुदा ने हर किस्म के जानवरों को बनाया। प्यारे बच्चों, खुदा ने छठे दिन कुछ और किया, कुछ बहुत खास। इंसान के लिए सब तैयार था, खेतों में खुराक थी और जानवर उसकी खिदमत के लिए। और खुदा ने कहा, आओ हम इंसान को अपने शबी पर बनाएं और ज़मीन पर की हर चीज़ पर इख्तियार बख्शें। फिर खुदा ने इंसान को अपनी छबी पर खलक किया, उसने उसे अपनी छबी पर बनाया। प्यारे बच्चों, खुदा ने आदम को हुक्म दिया, तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना। अगर तू उस दरख्त का फल खाए तो यकीनन मरेगा। और खुदावंद खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। खुदा तमाम परिंदों और दश्ती जानवर आदम के पास लाया। आदम ने उन सब के नाम रखे
ये सब कुछ करने में बहुत अकलमंद था, लेकिन तमाम परिंदों और दश्ती जानवरों में से आदम की मानद उसका कोई मददगार ना मिला। प्यारे बच्चों, खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, बहुत गहरी नींद, और सोए हुए आदम की पसलियों में से एक पसली निकाली। खुदा ने आदम की पसली से औरत को बनाया, और औरत जो खुदा ने आदम की मददगार बनाई, वो बिल्कुल आदम की साथी बनाई गई। प्यारे बच्चों, खुदा ने 6 दिनों में हर चीज़ बनाई। फिर खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और इसको सबत का दिन ठहराया। बागे अदन में आदम और उसकी बीवी हवा मुकम्मल तौर पर खुशी से खुदा की ताबेदारी कर रहे थे। प्यारे बच्चों, खुदा इनका रब था, इनका मुहैया करने वाला और इनका दोस्त था। आमीन।